दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएं और प्रोफेशनल अकाउंट में इन 5 स्टेप्स को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटर हो तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपकी रील्स वायरल हो पाएगी। अगर आप अपने अकाउंट को पूरी तरह प्रोफेशनल अकाउंट बना लोगे तो आप देखोगे कि हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड को समझ कर किस तरह इंस्टाग्राम पर जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। तो गाइज हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए चलते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ कोने पर क्लिक करके अपनी आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमको दिखेगा यहाँ पर एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने अकाउंट को एडिट करने के सारे ऑप्शन आ जाएंगे और यहीं पर नीचे मिलेगा हमको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाला ऑप्शन। तो हम इसी अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहीं पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से अपना मेन प्रोसेस शुरू होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर आपको अपना रील्स वायरल करना है तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस आप देखते रहिएगा। तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, बस क्लिक करते जाना है। अब आपके सामने आएगा इस तरह का पेज, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मतलब आप क्या हो, आप आर्टिस्ट हो, ब्लॉगर हो, वीडियो क्रिएटर हो, मतलब आप जिस भी कैटेगरी का रील्स बनाते हो वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लाइक जैसे कि मान लो अगर मैं एक क्रिएटर हूँ तो मैं यहाँ डिजिटल क्रिएटर या वीडियो क्रिएटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो आपका जो अकाउंट रहेगा उस पर ये दिखेगा, ताकि आपके अकाउंट को कोई देखे तो वो समझ जाए कि आप एक वीडियो क्रिएटर हो। इसके बाद यहाँ डन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग सकता है और फिर हमको मिलेगा आर यू क्रिएटर। अगर आप वीडियो क्रिएटर हो तो क्रिएटर रहने देना, या फिर अगर आप कोई बिजनेस के बारे में ट्यूटोरियल्स देते हैं तो आप यहाँ बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आएगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करोगे तभी आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट बन पाएगा। बहुत ही आसान स्टेप्स है, तो चलो मेरे साथ साथ आप भी करिए कि कैसे कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर हमको 6 स्टेप्स को पूरा करना होता है, जिसमें से पहला स्टेप्स तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लोगो लगाने और बायो लिखने पर पूरा हो जाता है। अब बचे हुए हैं 5 स्टेप्स, तो ध्यान से देखिएगा कि इनको कैसे कंप्लीट करते हैं। तो हम दूसरे स्टेप्स गेट इंस्पिराइड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, तो इनमें से किसी भी एक दो लोगों को फॉलो कर देना है। फॉलो करने के बाद यहाँ ऊपर कोने में राइट वाला निशान शो हो रहा होगा, तो बस इसी पर क्लिक कर देना है, अपना दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। कितना आसान है। अब अगला स्टेप्स को देखते हैं, तो अगला स्टेप ग्रो योर ऑडियंस पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमको ऐसे ऑप्शन देखने को मिले हैं, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, वापस से बैक आ जाना है और यहाँ ऊपर कोने में राइट का ऑप्शन शो हो जाएगा, बस इसी पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप है एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये जो कोने में राइट वाला निशान शो हो रहा है बस इसी पर क्लिक कर देना है, बस हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे 2 स्टेप और बचे हैं, तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5वां स्टेप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको एक दो पोस्ट को शेयर करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ गैलरी से किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप चाहो तो यहाँ टाइटल में कुछ लिख भी सकते हो। इसके बाद यहाँ शेयर पर क्लिक कर देना है। ये फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अधिक रील्स पोस्ट शेयर करना पड़ेगा। जब आप अपने अकाउंट पर रील्स पोस्ट को डालते रहोगे तो ये अपने आप पूरा हो जाएगा। अब हमारा आखिरी स्टेप टेल अस योर गोल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर किसी भी 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये जो ऑप्शन आए हैं इनको टिक कर देना है और यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा अकाउंट पूरी तरह से प्रोफेशनल अकाउंट बन गया है। अब इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमको अपने अकाउंट का सारा डाटा मिल जाएगा। ये अभी नया नया बना है तो इसमें टाइम लगेगा, तो चलिए मैं आपको मेरे दूसरे अकाउंट के डैशबोर्ड को दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको कितने लोगों ने फॉलो किया है, मेल ने किया है या फीमेल ने किया है, कहाँ कहाँ से हमको फॉलो किया है, हमारी ऑडियंस कितने टाइम पर एक्टिव रहती है ताकि हम उस टाइम पर रील्स को अपलोड कर सकें, और यहाँ नीचे और भी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है जिनको बड़े क्रिएटर होने के बाद इन सेटिंग्स को ऑन करना होता है। तो इतनी सारी सुविधाएं हमको डैशबोर्ड अकाउंट बनाने के बाद मिलती है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।